हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आ गया हूँ हावड़ा लिलुआ के साइड। ये है मैदान आपका गवर्नमेंट कॉलोनी जो कि जीडी रोड में है। और आज की शुरुआत करेंगे यहीं से। इसके पहले का पंडाल आपने देखा होगा ग्लिम्प्स में, वीडियो में। लाइक पहले ही कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। हम आए बहुत ही अच्छे पंडाल में। चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं किस तरह से बनाया है ये पंडाल। चलिए, आज काफी बारिश हुई है, काफी बारिश हुई है, लेकिन फिर भी जो क्रेज है पूजा का वो नहीं जाना चाहिए, इसीलिए बनता है आना और ब्लॉग बनाना। चलिए गाइज, अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं और देखते हैं क्या बनाया है अंदर में। आप देख पा रहे हैं मूर्ति तो बड़ी प्यारी है और इसमें थोड़ा रेट्रो लुक दिया है इन्होंने। लाल पाकिस्तानी जो कि बंगाली लोग का फेवरेट चीज होती है, जो कि मेन है, वो चीज बनाया है। अब हम लोग चलते हैं, दिखाते हैं, मैं आपको ऊपर का दिखाता हूँ। ये देखिए गाइज, ऊपर में बनाया है, कितना सुंदर। ये प्लास्टिक का यूज किया गया है ऊपर में, और ये लाइटिंग में देखिए आपको दिखाई दे रहा है, फुल ऑफ कलसी के अंदर में कलरफुल बल्ब लगा दिए गए हैं, रिबन लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पर शिव जी के अलग अलग अवतार दिखाई दे रहे हैं, आप देख पा रहे हैं अलग अलग अवतार। यहाँ शिवलिंग भी बनाया है विद त्रिशूल, काफी अच्छा पंडाल बनाया है। तो अभी आपने देखा कितना सही पंडाल बनाया था। अब इस बारिश में हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा मेला लेके जाएंगे बच्चों को, बच्चे मेरे साथ हैं तो हम लोग करेंगे मेले में थोड़ा सा मस्ती। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर माहौल बना हुआ है, भली बारिश क्यों ना हो मगर जो रौनक है आप जो देख पा रहे हैं, जो क्रेज है पब्लिक का दुर्गा पूजा को लेके, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो आप देख पा रहे हैं पीपल का क्रेज है और मैदान में है। तो अभी हम लोग इंजॉय करते हैं और मैं आपसे मिलूंगा अगले पंडाल पे। गाइज, अब हम आ चुके हैं सलकिया में। ये है बांधा घाट सलकिया का बाजलपाड़ा, और यहाँ बनाया है पुराना भूतिया बंगला। चलिए देखते हैं अंदर, मैं आपको मैं दिखाता हूँ फुल। ये देखिए यहाँ से एंट्री करते हैं, देखिए क्या बनाया है, पूरा थर्माकोल से बनाया है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए लकड़ी के ऊपर में थर्माकोल लगा दिया, ये पुराना जो झूमर होता है वो चीज है। यहाँ पर आप देखो ये इस तरह का गेट बनाया गया है, यहाँ पर ये चीज बनाया गया है, बहुत ही शानदार बनाया है। ऊपर में ये मकड़ी का जाला बनाया गया रस्सी से, आप देख पा रहे हो बहुत ही प्यारा बनाया। ये देखिए जाली, इनका पुराना ये सब जो चीजें हैं पूरा बनाया है, इतना बड़ा पहाड़। अभी इसमें अगर एक माइनस पॉइंट है जो कि है आवाज, अगर हॉरर आवाज देता तो ज्यादा अच्छा लगता, जो चीज इसमें मिसिंग लग रही है। फिलहाल हम लोग देखते हैं मूर्ति को। अब मिलते हैं अगले पंडाल पे और लेके चलते हैं। अब हम आ चुके हैं सलकिया का आदिवासी क्लब में, जो कि बांधाघाट और सलकिया के क्रॉसिंग पे है, और मैं आपको लेके चलूंगा इस पंडाल के अंदर में। इस पंडाल की खासियत ये है कि इतनी छोटी सी गली में ये बनाता है खतरनाक पंडाल। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। न्यूज़पेपर से बनाया है, न्यूज़पेपर से कटिंग करके पंडाल बनाया हुआ, आप देख पा रहे हैं इतनी छोटी सी गली में कितना अच्छे से यूटिलाइज किया है, वो चीज मैटर करता है। मैट लगाया हुआ है, क्लीननेस देखिए, आर्ट देखिए, टोटल चीज बहुत बढ़िया बनाया है। और कागज का सिर्फ इस्तेमाल किया गया, वो भी न्यूज़पेपर का। फैंटास्टिक वर्क हैज बीन डन। यहाँ पर देखो आप, जैसे कि मैंने कहा था आपको यूनेस्को में इस बार नाम आया है, तो ऑब्वियसली कुछ अनोखा तो करना ही होगा। और न्यूज़पेपर को सिर्फ नहीं लगाया है, यहाँ पर डिजाइन भी किए हुए हैं, और आप देख पा रहे हैं कितना मुश्किल से डिजाइन करके यहाँ चीज बनाई गई है। जितने भी न्यूज़पेपर हैं सबको लेके बनाया गया है। द मेन टेलीग्राफ आप देख पा रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया को देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप बांग्ला बाजार को देख पा रहे हैं, यूनेस्को में ऊपर में देखिए आपका, जैसे कि यहाँ पर नाम आया है। ये बनाया है घड़ी, क्या बात है। और अब हम दर्शन करते हैं मूर्ति को, आप देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार बनाया है, अभी तक का मैं बोल सकता हूँ बेस्ट पंडाल। चलिए अभी हम लोग मिलते हैं अगले पंडाल पे। तो अब हम आ गए हैं नया मंदिर सलकिया, और यहाँ
बहुत ही अच्छा पंडाल बना है, ये देख सकते हैं आप सामने में। तो आप यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए ये पूरा रस्सी का बनाया गया है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, जिससे हम लोग रस्सी बनाते हैं वो चीज इस्तेमाल किया गया है। यहाँ देखिए आलू बेचने वाला, सब रियल बैठाया है, रियल बनाया है, पूरा रियल जो किसान लोग करते हैं वो किसान यहाँ पर दिखाया गया है। क्या बात है, आग में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रियल गाय भी है, और बीच में बाउल गान हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया यार, फैंटास्टिक वर्क। और ये बनाया है यहाँ पर मंदिर, छोटा सा गांव में जो मंदिर बनता है ये बनाया है, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये कलाकारी से ये पता चल रहा है कि हावड़ा भी कुछ कम नहीं है कलकत्ता से, मॉडल के जैसे बैठे हैं लेकिन वो है रियल में, ये सबसे खासियत चीज है रियल लेकिन बैठे हैं मॉडल के जैसे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक। तो हावड़ा में भी है कुछ ऐसी चीजें जो देखने लायक है आपके लिए। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ सलकिया में हैं, तो अब हम लोग चलेंगे अगले पंडाल की तरफ, तो मिलते हैं। तो वेलकम बैक गाइज, और अभी हम आ चुके हैं आलापानी। आलापानी जो है वो है सलकिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया, जहाँ पर फाड़ू, जिसको बोल सकते हैं फाड़ू पंडाल होता है, तो वो है। और यहाँ पर देखिए सब सिंगर जो गुजर गए हैं उनका पहले यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया गया है। इधर में भी देखिए, ये एंट्रेंस बनाया है, चलिए देखते हैं क्या अनोखा किया है। फुल वीडियो दिखाता हूँ, आप देखते रहिए सिर्फ वीडियो। शानदार काम किया है, मिरर का इफेक्ट किया है, कागज का कार्टून जो पुराने पुराने कार्टून्स हैं वो यूटिलाइज किया गया है यहाँ पर, पेड़ का यूटिलाइज किया गया है यहाँ पर, रिफ्लेक्ट वाला किया है। चलिए देखते हैं इधर में, देखिए आप रिफ्लेक्ट वाला किया, ये पूरा रिफ्लेक्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर लोहे का इस्तेमाल किया गया है, ये पुरानी लकड़ी है। ये देखिए नीचे में जलने वाला कुछ बनाया गया लाइट से, और यहाँ पर ये देखिए फैंटास्टिक यार, वाव, इज जस्ट वाव। हम लोग चलेंगे आगे मूर्ति की तरफ, ये देखिए ये ईगल है, पूरा ईगल बनाया गया, और इतना बड़ा स्ट्रक्चर लेके बनाया गया है, दैट इज फैंटास्टिक। लोहे का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही चमत्कारिक पंडाल बनाया जिसको बोलते हैं। और ये देखिए ये है मूर्ति, कलाकारी में कोई भी किसी से कम नहीं है। चलिए बारिश थोड़ी हल्की हो चुकी है, अब हम लोग चलेंगे अगले पंडाल की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अगले पंडाल पे सलकिया में, और यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा पंडाल जो है वो गमछा से यूज किया गया है, यानी कि एक तौलिया, बंगाल में ये गमछा यूज किया जाता है अच्छे कामों के लिए भी और नहाने के लिए भी, तो ये उसके लिए है। और देखिए पूरा पंडाल, ये झूमर बनाया है गमछा से, और शादी के समय जो ये चीज दरकार पड़ती है जिसमें खोई रहती है वो भी इस्तेमाल किया, चावल छानने का होता है इसमें, बेसिकली बंगाली लोग चावल छानते हैं। बांस का भी यूज किया गया है, बैम्बू का यूज किया गया, आप देख पा रहे हो बैम्बू का, पूरा प्योर बैम्बू का यूज किया गया है। लाइटिंग देखिए, ये देखिए ये खोला जो है ये भी बैम्बू का है, ये भी बैम्बू का है, ये जो है ये मेन एक साल चित्र के ठाकुर, क्योंकि घर में इस तरह की ठाकुर होती है। शारदीय सम्मान भी मिला है, आप देख पा रहे हैं इस पंडाल को, और मिलना भी चाहिए, गमछा का यूज किया गया तो ऑब्वियसली कुछ यूनिक किया है, ये मिलना भी चाहिए। चलिए चलते हैं अगले पंडाल पे, काफी कुछ दिखाना है, रास्ते का रौनक भी देख लीजिए, काफी अच्छी लाइटिंग चल रही है यहाँ पर, रास्ते में भीड़ भी है, शायद बज रहा है, और अभी चलते हैं आगे। अभी आप देख ही पा रहे हैं हम लोग कहाँ आए हैं, सलकिया चैत्र व्यायाम समिति में आए हैं। ये इसका एंट्री, ये बनाया है बादल, जब बादल गरजता है तो क्या क्या होता है वो चीज अंदर में देखने मिलेगी। अभी हम लोग आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे पंडाल, ये देखिए पूरा पंडाल। आगे चलते हैं मंदिर की तरफ, ये देखिए बनाया है पंडाल पूरा अंदर में, हम लोग आगे चलेंगे, देखिए क्या खतरनाक बनाया है, ओ ओ एम आई गॉड,
यहाँ पर ये देखिए पूरा पेड़ लगे हुए हैं, आदमी हैं, बहुत सुंदर बनाया है। और ये सब जितने भी पेड़ लगे हैं सब ओरिजिनल है। चलिए अब आगे मिलते हैं पंडाल में। वेलकम बैक गाइज, अभी मैं आया हूँ यहाँ पर गोलाबारी के मैदान में, जो कि यहाँ पर नव दुर्गा होती है। और मैं अभी यहाँ पीछे के साइड से एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि आगे साइड में बहुत ज़्यादा कीचड़ है, लेकिन यहाँ से शुरुआत करूँगा और आपको आगे का भी दिखाऊँगा। ये देखिए नव दुर्गा पूरे हावड़ा में एक ही यहाँ है जो स्पेशलिटी होती है। और ऊपर में आप देख सकते हैं तोते चिड़िया, इसका यूज़ किया गया है और नेट का यूज़ किया गया है, नेट का। नहीं छोड़ सकते बाबू, मास्क बनाया गया है आपने देखा जिस तरह से, वो भी नेट का है, प्योर ब्लू लाइटिंग एंड ब्लू नेट से किया हुआ है। और ये देखिए पूरा नेट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि मैंने कहा था आपको। इसकी खासियत है कि ये पूरा यूटिलाइज करता है जगह को, और इसमें स्पंज भी दिया हुआ है। ये देखिए हर जगह में देखिए पूरा मास्क लगाया हुआ है, ये पूरा मास्क है। आपको इसके फ्रंट में लेके चलता हूँ, फ्रंट में लेके चलता हूँ। ये फ्रंट का मुंह है और देखिए क्या फैबुलस पंडाल बनाया है आप देखिए। अब यहाँ से पूरा पंडाल को देख पाइएगा बारीकी से। फिश है, एक एक्वेरियम बेस बनाया है। चुन्नी और स्पंज का बेसिकली यूज किया गया है इस पंडाल पे, आप देख पा रहे हो। तो चलिए अब हम आगे मिलते हैं आपसे।